यज्ञ भी तीन प्रकार की होती है। लोग कुछ लोग बोलते हैं वो एक यज्ञ हुआ था वो भगवान राम घुड़वा छोड़े थे वही वाला, एक बोलता अच्छा एक बार होता था राज किए थे युधिष्ठिर धर्मराज वही वाला, तो घोड़ा तो नहीं दौड़ रहा है। ठीक है हमने कहा ठीक घोड़ा दौड़ेगा देख लेगा, देखियो घोड़ा दौड़ते हुए। दिव्य आत्माएं अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य दो होता है, एक होता है ऋषियों के पक्ष में, एक होता है आचार्यों के पक्ष में, एक होता है राजाओं के पक्ष में। तो राजाओं के पक्ष में जो किया जाता है वो अहिंसक होता है, हिंसक हिंसक समझ रहे ना, हिंसक बिल्कुल फूंक दिया गया रक्तपात शुरू हो जाएगा। यानी जब घोड़ा छोड़ा जाएगा तो जो घोड़ा पकड़ेगा तो क्या करेगा, पकड़ेगा तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा। आई बता सकते हैं लड़ाई करेगा तो क्या होगा, फूल बरसेगा कि गर्दन, दूध की नदी बहेगी खून की, खून की होगी कि नहीं, हिंसक होगा कि नहीं होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सोच रहे हैं बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। पहले हिंसक होता था और लास्ट में घोड़ा भी लोग बोलते थे काट दिया जाए, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ करते थे ना लास्ट में घोड़े को काट कर जो उसमें डाला जाता था ना फिर अपने तपोबल से उसको जिंदा भी किया जाता था। ठीक है ऐसी पद्धति है उसमें, तो राजा लोग करते हैं अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए कि मेरा छोटा राज्य है बड़ा हो जाए, समझ गए। वो हिंसक होता है जब बिल्कुल फूंका गया तलवार निकल जाती थी, धनुष निकलता धनुष पर तीर चढ़ जाते थे और लाशें बिछड़ी शुरू हो जाती थी, रक्तपात होता था, बोलिए होता था इन होता था क्यों महाराज जी, यही होता था। लेकिन देखो इसके पीछे कारण था, वही जो पहले दिन आपको बताए बड़े बड़ा ई पाप के रोम रोम अहंकार और सतगुरु परचे बिना चारों वर्ण चमार, एक नहीं चारों। अहंकार जब हो जाता था अभिमान हो जाता था तो अभिमान का मर्दन होता है आप जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ भगवान राम किए थे लेकिन पूर्ण हुआ, अरे कौन बोला पूर्ण हुआ, धराशाई हुई अयोध्या कोई बचने वाला ना, जो स्वयं काल कालेश्वर कहलाते थे लखन लाल रूप में आए हैं क्षण में मूर्छा हुए सुनो, सेना भी शीश झुकाए हैं धर्म अवतारी भर सुनो, हनुमान भी वहां पर बांध गए ननलील अंगद को कौन कहे, बड़े बड़े वीर धराशाई हुए, हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, पूर्ण हुआ। और वही उसके बाद जो दशा अश्वमेध किए, जो वाराणसी में दशा अश्वमेध घाट है वहां पर किए, 10 जग किए हैं भगवान, दशा अश्वमेध घाट जो नाम पड़ा है, दशा अश्वमेध 10 और अश्वमेध मिला करके दशा अश्वमेध हुआ है, जो भगवान राम किए हैं दशा अश्वमेध घाट पर वह देखिए सफल हुआ। क्यों भगवान अपने जीवन में बताए कि देखो कुछ भी करना अहंकार मत करना,